हेलो एवरीवन, हॉरर लव हिंदी में आपका स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में आई एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है बर्लिन सिंड्रोम। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लेयर नाम की एक लेडी जर्मनी के बर्लिन शहर में घूमने आई हुई थी और फिर वो अपने हॉस्टल में जाती है जहाँ पर वो रुकी हुई थी और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ हॉस्टल की छत पर पार्टी करने जाते हैं जो कि क्लेयर की ही तरह सभी टूरिस्ट थे। क्लेयर छत से सनसेट के फोटोज लेती है जिसके बाद अगले दिन वो हॉस्टल से निकलकर फिर से सड़कों पर घूमने जाती है जहाँ पर वो सड़कों पर कुछ फोटोग्राफ्स लेती है और वहाँ से कुछ शॉपिंग और कुछ कपड़े भी खरीदती है। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर खिड़की से बाहर एक सुंदर सा कपड़ा झाड़ रही एक औरत का फोटो भी ले लेती है जिसके बाद में वो आगे जाकर एक बुक शॉप में जाती है जहाँ पर भी वो कई सारे फोटोज लेती है क्योंकि क्लेयर का बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वहाँ से निकलकर हम देखते हैं कि क्लेयर को एक आदमी फॉलो कर रहा है और वो उसे एक ट्रैफिक सिग्नल पर मिल जाती है जहाँ पर वो आदमी जानबूझकर अपना सामान गिरा देता है और क्लेयर उसकी उस सामान को उठाने में मदद करती है जिससे कि दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। इस आदमी का नाम एंडी था और वो क्लेयर से उसके ट्रेवल के बारे में पूछता है और वो क्लेयर को स्ट्रॉबेरीज ऑफर करता है जिसके बाद में दोनों में छोटी सी फ्रेंडशिप होती है और एंडी क्लेयर को अपने साथ में स्ट्रॉबेरी के गार्डन ले जाता है। दोनों आपस में बातें करते हैं और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ में कई जगह भी घूमते हैं और फिर तभी क्लेयर को अपनी माँ का कॉल आता है जिसके बाद में एंडी उसे उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है। छोड़ते वक्त दोनों लगभग एक दूसरे से किस करने ही वाले थे कि तभी क्लेयर एंडी को ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन वो मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लेयर फिर से घूमने निकलती है और उसी बुक शॉप में जाती है जहाँ पर उसे फिर से एंडी मिलता है। दोनों फिर से साथ में घूमते हैं और काफ़ी देर साथ वक्त बिताने के बाद में एंडी उसे एक पुराने बिल्डिंग में ले जाता है और ये अपार्टमेंट एक पुरानी सी बिल्डिंग में था और ये बहुत ही दूर दराज के इलाके में था। उस अपार्टमेंट में एंडी और क्लेयर दोनों रात बिताते हैं और वहाँ पर क्लेयर उसे कहती है कि वो अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाने से बेहतर उसके साथ यहीं पर वक्त बिताना चाहेगी। फिर अगले सुबह एंडी अपने स्कूल चला जाता है जहाँ पर वो एक टीचर की जॉब करता था और वहाँ जाकर उसकी नज़र एक फ्रेंका नाम की लड़की पर पड़ जाती है। इधर क्लेयर एंडी के अपार्टमेंट में अकेली थी और वो रेडी होकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो ये देखती है कि उस अपार्टमेंट का गेट लॉक्ड है। उसे उस लॉक को खोलने के लिए वहाँ पर चाबी नहीं मिलती और क्लेयर को ये लग रहा था कि एंडी गलती से चाबी रखना भूल गया है और वो डिसाइड करती है कि वो यहीं पर रुकेगी जहाँ पर वो एंडी और अपने लिए खाने के लिए कुछ बना लेती है। जब एंडी अपने स्कूल से वापस आता है तो वो कहता है कि वो गलती से चाबियाँ रखना भूल गया था और मजाक में क्लेयर उससे कहती है कि वो शायद जानबूझकर उसे लॉक करके गया होगा जिस पर एंडी कहता है कि हाँ उसे जानबूझकर लॉक करके गया था लेकिन अगली बार वो उसे रूम में नहीं बल्कि बेड से लॉक करेगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं और दोनों में इंटरकोर्स होता है। फिर अपना प्यार भरा सेशन ख़त्म करने के बाद में दोनों क्लब में जाते हैं और वो दोनों ये रात भी एंडी के अपार्टमेंट में रुकने का ही सोचते हैं। एंडी अगले दिन अपने काम पर जाते समय क्लेयर से कहकर जाता है कि उसने चाबियां वहीं पर रख दी है और फिर जब क्लेयर अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी तो उसे एंडी के यहाँ पर अपनी एक फेवरेट बुक दिखाई देती है और जब वो उसे खोलती है तो वहाँ पर उसे खुद का सोते हुए एक फ़ोटो मिलता है जिसमें उसके कंधे पर टैटू बना हुआ था। फिर क्लेयर को एहसास होता है कि उसकी रिंग और नेकलेस गायब है जो कि उसकी माँ ने दिया था। क्लेयर पूरे अपार्टमेंट में उस रिंग और नेकलेस को ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर जब क्लेयर एंडी की रखी हुई चाबियों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो उसे पता लगता है कि ये चाबियाँ उस दरवाजे की नहीं हैं और वो दरवाज़ा नहीं खुलता। क्लेयर के मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था और इस कारण से वो किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही थी। क्लेयर ये देखती है कि अपार्टमेंट का इंटरनल दरवाज़ा भी बंद था और तो और वहाँ की कोई भी खिड़की खुली हुई नहीं थी। उसे लग रहा था कि शायद वो किसी मुसीबत में है और वो एक चेयर से खिड़की को तोड़ने की कोशिश भी करती है लेकिन उस खिड़की के पीछे एक और पैनल था जिससे कि वो खिड़की तो टूट जाती है लेकिन वो पैनल नहीं टूटता। फिर जब एंडी वापस आता है तो क्लेयर उसका दरवाजे पर ही इंतज़ार कर रही थी। वो उसे बाहर जाने को कहती है लेकिन एंडी उसे जाने नहीं देता और दरवाजे को लॉक करके उसे उस खिड़की को तोड़ने के लिए बहुत डांटता है। क्लेयर यहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन एंडी उसे कुछ फ्लावर्स देकर उसे पास्ता के लिए पूछता है लेकिन गुस्से में क्लेयर उसे एक किक और पंच मारती है जिससे कि एंडी उसे पकड़कर बेड से बांध देता है
और कहता है कि उसकी चीखें यहाँ पर कोई नहीं सुन सकता क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरह से खंडर है और ये शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर भी है। फिर अगले दिन एंडी अपने पिता से मिलता है जहाँ पर वो उन्हें क्लेयर के बारे में बताता है और एंडी के फादर उसे नेटली के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि नेटली वापस कनाडा चली गई है। अब एंडी वापस अपने अपार्टमेंट पहुँचता है जहाँ पर क्लेयर ने बेड पर ही टॉयलेट कर दी थी, जिसके बाद में एंडी उसे खोल कर शॉवर के लिए ले जाता है जहाँ पर क्लेयर को बाथटब में लंबे ब्लॉन्ड हेयर्स दिखाई देते हैं, जिससे कि उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर उससे पहले भी कोई और लड़की ज़रूर थी और उसके साथ एंडी ने भी यही किया होगा। फिर एंडी क्लेयर से कहता है कि उसने अपने पिता को उसके बारे में बताया है और उसने क्लेयर की माँ को भी मैसेज कर दिया है कि वो यहाँ पर ठीक है, लेकिन क्लेयर उससे कहती है कि उसकी माँ को जल्द ही पता लग जाएगा कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है। अगले दिन एंडी फिर अपने काम के लिए निकलता है, लेकिन वो उसे इस बार खोलकर जाता है क्योंकि वो अपार्टमेंट पूरी तरह से लॉक्ड था और क्लेयर यहाँ से बचकर कहीं भी नहीं भाग सकती थी। फिर हमें देखते हैं कि एंडी चाबियों को एक बॉक्स में डालकर कॉरिडोर में बने हुए शेल्फ में रखकर जाता है और यहाँ पर क्लेयर को एक काउच के नीचे से स्क्रू ड्राइवर मिलता है जिसे कि वो अपने पास छुपा लेती है। अब हम देखते हैं कि एंडी अपने स्कूल में है और वो एक टीचर पर गुस्सा होता है क्योंकि वो ऑफिस के किचन से उसका कप ले लेती है जिसे एंडी यूज़ किया करता था। फिर एंडी जब अपने घर आता है तो देखता है कि क्लेयर पसल खेल रही है और क्लेयर मौका देखकर एंडी के हाथ में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है। वो उससे चाबियां लेकर वहाँ से भागती है और सीढ़ियों से नीचे की ओर जाती है, लेकिन वहाँ का मेन गेट भी लॉक्ड था। वो उसे खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एंडी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसका हाथ गेट से कुचल देता है जिससे कि क्लेयर की एक उंगली टूट जाती है। वो क्लेयर को वापस अपार्टमेंट में लाता है और उससे फिर से बांध देता है। अगले दिन एंडी फिर अपने पिता से मिलता है और जब वो वहाँ से वापस आता है तो क्लेयर पूरी सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करती है। वो एंडी से कहती है कि वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, लेकिन एंडी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और उसे अब हमेशा उसके साथ में ही रहना होगा। एंडी यहाँ पर क्लेयर के रोज़ डिस्टर्बिंग फोटोज़ लिया करता था और ज़्यादातर तब लेता था जब क्लेयर बिना कपड़ों के होती है। फिर अगले दिन एंडी अपने फीमेल स्टूडेंट फ्रेंका को उसके जिम क्लास में देख रहा था, जिसका मतलब ये था कि एंडी की फ्रेंका पर भी नज़र थी। और इधर अपार्टमेंट में क्लेयर अपने हेयरपिन से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डर लग रहा था कि एंडी को पता लग गया तो वो पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेगा। एंडी उस अपार्टमेंट की सारी धारदार चीज़ों को एक बॉक्स में लॉक करके रखता था ताकि क्लेयर को भागने के लिए कुछ भी नहीं मिले और वो लगातार उसे मेंटली और इमोशनली टॉर्चर कर रहा था। फिर एक दिन एंडी क्लेयर को बाथरूम में नहला रहा था और तभी उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर फ्रेंका नॉक करती है। एंडी क्लेयर को धमकाता है कि वो अपने मुँह से एक शब्द भी ना निकालें, जिसके बाद में वो दरवाजे पर जाता है जहाँ पर फ्रेंका उससे फ्लर्ट कर रही थी और वो उससे कहती है कि वो यहाँ तक उसका पीछा करते हुए आई है। और पीछे से क्लेयर टॉवल में ही हॉल तक चली आती है जिसे फ्रेंका देख लेती है और एंडी फ्रेंका से कहता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता और इसीलिए वो जल्दी उसे छोड़कर जाने वाली है। फिर अपार्टमेंट में क्लेयर एंडी से उस लड़की के बारे में पूछती है जो उससे पहले यहाँ थी, लेकिन एंडी उसकी बात को बीच में ही रोक कर उसके बाल काट कर उसके फोटोज लेने लगता है। फिर समय के बीतने के साथ साथ वो धीरे धीरे क्लेयर के और करीब आता है और हम देखते हैं कि अब क्रिसमस आ गया था। क्लेयर अभी भी एंडी के डर में जी रही थी, लेकिन एंडी उसे बस एक खिलौने के जैसे यूज कर रहा था और वो उसे उसके साथ में नॉर्मल रहने के लिए अक्सर कहा करता था क्योंकि क्लेयर उसका साथ नहीं दिया करती थी, जिससे कि फ्रस्ट्रेट होकर एंडी ये डिसाइड करता है कि क्लेयर को यहीं अकेला छोड़कर अपने पिता के साथ रहेगा। और यहाँ पर अपार्टमेंट में लाइट चली जाती है और अब क्लेयर यहाँ पर इस खंडर से अपार्टमेंट में कई दिनों तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही रहती है। यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और ऊपर से भयानक ठंड भी थी और ना ही क्लेयर के पास में खाने के लिए कुछ भी था। क्लेयर को जो भी अपार्टमेंट में मिलता था वो उसे खाने लगती है। और हम देखते हैं कि इधर एंडी के पिता की डेथ हो चुकी थी। क्लेयर को एंडी के अपार्टमेंट से वहाँ से किसी और लड़की का टूटा हुआ नाखून दिखाई देता है, जिससे कि उसे समझ आ जाता है कि एंडी ने उस लड़की के साथ में क्या क्या किया होगा। अब क्लेयर को यहाँ पर कई दिन हो चुके थे और कुछ दिनों के बाद में एंडी भी वापस आ जाता है और वो कहता है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं पता था,
कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। क्लेयर एंडी को उसके पिता के मरने पर दिलासा देती है, जिसके बाद में दोनों क्लोज आते हैं और दोनों में एक बार फिर से इंटरकोर्स होता है। हम देखते हैं कि क्लेयर अब एंडी के हिसाब से रहने लगी थी। वो एंडी का घर साफ करती थी और वो उसके पसंद का खाना बनाती थी और वो उसकी पसंद के कपड़े भी पहनती थी। फिर एंडी क्लेयर को एक बुक और उसके पिता का डॉग देता है क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। अब काफ़ी समय साथ रहने के दौरान क्लेयर एंडी से पूछती है कि उसने उसी को क्यों चुना, जिस पर वो उसे बताता है कि उसने उसे पहली बार खिड़की से बाहर कपड़ा झाड़ रही औरत का फोटो लेते हुए देखा था, फिर वो जानबूझकर उसे बुकशॉप में मिला। क्लेयर फिर से एंडी से उस लड़की के बारे में क्वेश्चंस पूछती है, जिससे कि एंडी परेशान हो जाता है। अभी सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि एंडी क्लेयर को अपार्टमेंट से बाहर एक दूर दराज के जंगल ले गया था और उसके पास में एक कुल्हाड़ी भी थी, मतलब कि वो उसे यहाँ पर मारने के लिए लाया हुआ था। क्लेयर एंडी को उस अपार्टमेंट से लाने के लिए थैंक यू बोल रही थी और वो पीछे से उसे मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से एक छोटा सा बच्चा चिल्लाता हुआ वहाँ पर आता है और उनसे उसके भाई की हेल्प करने के लिए मदद मांगता है, क्योंकि उसके भाई के पैर में चोट आई हुई थी। क्लेयर यहाँ से भागने का मौका ढूंढती है और उस बच्चे को अपनी सिचुएशन बता रही थी, लेकिन उस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती थी और वो क्लेयर से डर जाता है। एंडी ये बात नोटिस कर लेता है और वो क्लेयर को कार की डिक्की में डालकर वापस से अपार्टमेंट ले आता है। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर और एंडी के पिता के डॉग के बीच में अब रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन ये एंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उस डॉग को वॉक पर ले जाता है, लेकिन आते समय उसके साथ में वो डॉग नहीं था, मतलब कि एंडी ने उस डॉग को मार दिया था, और वो बहाना बना लेता है कि वो डॉग वहाँ से भाग गया। क्लेयर अब फिर से अकेली थी और उसका दिल टूट चुका था, क्योंकि एक वही डॉग था जिसके साथ वो खुश रहती थी। अब एंडी एक न्यू ईयर पार्टी में था और क्लेयर अपार्टमेंट में अकेली थी। उसे एंडी का कैमरा मिलता है और एक एल्बम जिसमें उसके कई सारे फोटोज़ थे। क्लेयर को वहाँ पर दूसरी लड़की के भी फोटोज़ मिलते हैं, जिसे एंडी ने उसी की तरह यहाँ पर बंधा हुआ था। फिर पार्टी में एंडी दूसरी टूरिस्ट लड़की को अपने झांसे में लेने के चक्कर में था और वो उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना चाह रहा था, लेकिन वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। और इधर अपार्टमेंट में क्लेयर को एक टॉर्च की लाइट चमकती हुई दिखाई देती है और फिर क्लेयर उसी टूटी हुई खिड़की को और तोड़कर जोर जोर से चिल्लाती है, ताकि टॉर्च वाला आदमी जो कोई भी हो उसकी मदद करने के लिए आ जाए। वो आदमी अपार्टमेंट पहुंचता है और वो बस क्लेयर को आज़ाद करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एंडी फिर से पहुँच जाता है और वो उस आदमी को हथौड़े से मार डालता है, जिसके बाद में एंडी उस आदमी की मौत के लिए भी क्लेयर को ही जिम्मेदार मान रहा था। वो कहता है कि वो उसके आदमी की बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद करें और फिर दोनों मिलकर उस बॉडी को पास में जला देते हैं। अब अगले दिन एंडी पूरे अपार्टमेंट से खून को साफ करता है और देखता है कि न्यूज़पेपर में क्लेयर की फ़ोटो छपी हुई है कि वो बहुत दिनों से मिसिंग है, जिसे देखकर एंडी क्लेयर को बैकपैक करने के लिए कहता है, क्योंकि वो ये अपार्टमेंट छोड़कर जाने वाले थे। क्लेयर को वहाँ पर एंडी की एक स्टूडेंट की नोटबुक दिखाई देती है और फिर क्लेयर जानबूझकर अपने हाथ को जला लेती है। एंडी क्लेयर के हाथ पर लगाने के लिए क्रीम लेने जाता है, लेकिन इतने में क्लेयर फ्रेंका की वर्कबुक को छुपा लेती है। अब अगले दिन एंडी को फ्रेंका की नोटबुक कहीं नहीं मिलती और वो उसे पूरे अपार्टमेंट में ढूंढता है, लेकिन वो उसे क्लेयर के बैग से मिलती है। वो समझ जाता है कि क्लेयर ने जानबूझकर वो बुक्स को छुपाया था और वो उसे पनिशमेंट देने के लिए अपार्टमेंट का पानी रोककर वहाँ से चला जाता है, ताकि क्लेयर को यहाँ पर एक बूंद भी पानी ना मिले। स्कूल में एंडी फ्रेंका को उसकी नोटबुक देता है, जिसके पेजेस के बीच में उसे क्लेयर की डिस्टर्बिंग फोटोज़ दिखती है, जिसमें उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। फोटोज़ को देखकर फ्रेंका डर जाती है और क्लास से निकल जाती है, क्योंकि उसने क्लेयर को पहले एंडी के अपार्टमेंट में देखा था। एंडी भी अपने स्कूल से जल्दी निकलता है और वो अपने अपार्टमेंट की ओर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि फ्रेंका की बाइक नीचे पड़ी हुई है और अपार्टमेंट का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और वहाँ से क्लेयर भाग चुकी थी। एंडी क्लेयर को मारने के लिए एक हथौड़ा ढूंढता है और कदमों के निशान से क्लेयर को ढूंढने की कोशिश भी करता है। इधर हम देखते हैं कि क्लेयर सीढ़ियों के नीचे छुपी हुई थी और फ्रेंका भी एंडी से छुप रही थी, और जैसे ही एंडी फ्रेंका के पास पहुँचता है तो क्लेयर उसे आवाज़ देकर अपनी तरफ बुला लेती है और उसे वापस अपार्टमेंट में ले जाती है, जहाँ पर जाने के बाद में वो चालाकी से एंडी को ही उसके अपार्टमेंट में बंद कर देती है, जिसके बाद में क्लेयर ये महसूस करती है कि वो अब उस अपार्टमेंट और एंडी दोनों से फ्री है। क्लेयर खुशी में जोरों से चिल्लाती है और चाबी को फेंक देती है, और अब एंडी उस अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए कह रहा था और अब एंडी क्लेयर की जगह पर कैद था।
क्लेयर फिर फ्रेंका को लेकर बाहर आती है और उसे बेसमेंट से अपना बैग मिलता है जिसमें उसका पासपोर्ट और उसकी माँ की दी हुई रिंग थी। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एंडी अपने अपार्टमेंट में अपने चेयर पर बैठा है और क्लेयर अपनी कार में थी और बर्लिन को फिर से एंजॉय कर रही थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।